टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए प्रशासन ने उतारी पूरी टीम। हाथ में लिस्ट लेकर लोगों को टीका लगवाने के लिए फोन करते दिख रहे हैं सरकारी कर्मचारी। मध्य प्रदेश इंदौर के मोरोद गांव में एक निर्माणाधीन स्कूल की छत गिरने से 10 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देश में कोरोना की रफ्तार तेज। कर्नाटक में 47,000, महाराष्ट्र व केरल में 46,000 और दिल्ली में 12,000 से ज्यादा मामले। देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से प्रेस वार्ता की गई, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि दूसरी लहर के मुकाबले कोरोना की तीसरी लहर कम घातक है, क्योंकि दूसरी लहर की तुलना में कोरोना की तीसरी लहर में होने वाली मौतों की संख्या काफी कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मौजूदा समय को कोरोना की तीसरी लहर करार दिया। मंत्रालय की ओर से कहा गया कि भले ही लोग ज्यादा संख्या में संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन उनमें देखे जाने वाले लक्षण ज्यादा खतरनाक नहीं हैं। संक्रमित लोग जल्दी ठीक हो रहे हैं। अपने आप को कभी CBI तो कभी ED अफसर, इलेक्शन कमिश्नर व एजेंट बताकर लोन पर गाड़ी दिलाने, लग्जरी गाड़ियों को भाड़े पर लगाने, बैंकों से लोन दिलाने समेत कई तरीके से दर्जनों लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाले शातिर को पटना के फुलवारी शरीफ थाने की पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शातिर सागर नारायण तिवारी रूपसपुर इलाके का रहने वाला है। आरोपित पर रूपसपुर, बुद्धा कॉलोनी, अंकुआ, फुलवारी शरीफ थाने के अलावा कोलकाता के भी कई थानों में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। बुल्ली बाई ऐप ओडिशा से गिरफ्तार नीरज के भाई ने किया दावा, जांच में मदद के लिए मुंबई ले जाया गया। पाल, पहले वनडे मैच में शर्मनाक हार के बाद भारत को अगर 3 मैचों की वनडे सीरीज को जिंदा रखना है तो उसके बल्लेबाजों को आज दूसरे वनडे में बेहतर प्रदर्शन करना होगा, जिसमें KL राहुल और विराट कोहली की इज्जत दांव पर होगी। KL राहुल की कप्तानी की भी परख होगी। सुकेश चंद्रशेखर की मदद करने वाले रोहिणी जेल के 82 कर्मचारियों से होगी पूछताछ, करोड़ों रुपए का घूस लेने का है आरोप। दिल्ली, राजधानी दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड के लिए रिहर्सल की गई। प्रचार करने पहुंचे BJP उम्मीदवार और विधायक के खिलाफ फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। गांव से खदेड़ा BJP विधायक और मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से प्रत्याशी विक्रम सैनी को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध इतना बढ़ गया कि आखिर में उन्हें अपनी गाड़ी में बैठकर गांव से निकलना पड़ा। हाल ही में राजस्थान BJP के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस शासित राज्यों पर कोरोना वैक्सीन के बर्बाद होने का आरोप लगाया था, जिसके जवाब में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। सलमान खान के वकील श्रीकांत शिवड़े का निधन, हिट एंड रन केस से हुए थे प्रसिद्ध। चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश से 17 साल के भारतीय युवक को किया अगवा, सांसद ने मदद की गुहार लगाई।